तो कि नहीं यार, 2023 की एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जिसे कि मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ। फिल्म की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी एक्टर्स थे सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और विजय बालन ने अपने मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस से अच्छे अच्छे एक्टर्स की कैके ले ली। मैंने आज तक उनकी कोई भी मूवी को सीरियसली नहीं लिया है, एक्चुअली देखता ही नहीं हूँ। लास्ट उसकी मूवी देखी थी दादाजी पिक्चर भी फैमिली, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था और नसरुद्दीन और तुषार जी से तो वो उम्मीद नहीं थी जो उनको फिल्म में करवाया गया, लेकिन इमरान हाशमी से थी कि वो फिल्म में अपनी छाप जरूर छोड़ेगा। और जब इमरान हाशमी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगा तो हम सारे एम्बैरेस्ड होने लगे और समझदारी दिखाते हुए मैंने टीवी का स्विच ऑफ कर दिया और उस रात अभी 2 बजे तक सोचा साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हे तो जोक सपाट, चलिए अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। तो फिल्म के शुरुआत में हमें एक इंडियन बिलियनियर आशीष कपूर एका राम कपूर को दिखाया जाता है और साथ में उनकी असिस्टेंट के पटेल भी होती है। ये दोनों एक स्पोर्टिश किले के पास उतरते हैं जिसे कि रिसीव करता है तानवीर। तानवीर जो होता है वो एक इवेंट मैनेजर होता है। आशीष कपूर तानवीर को कहते हैं कि मेरा बर्थडे पार्टी आने वाला है तो जितने भी अरेंजमेंट है उसे आपको ही संभालना है। इसके बाद तानवीर जितने भी रिलेटिव और दोस्त होते हैं उनको एक एक करके इस किले के पास इनवाइट करते हैं। इस पार्टी में उनके दोस्तों के अलावा एक और स्पेशल मेहमान भी आता है, मीरा राव एक का विद्या बालन जो कि एक CBI ऑफिसर होती है। वो आशीष कपूर को अरेस्ट करने आई हुई होती है और मजे की बात तो ये है कि विद्या बालन को आशीष ने ही बुलाया होता है ताकि वो सरेंडर कर सके, लेकिन सरप्राइजिंगली उसके सरेंडर करने के पहले किसी ने उसका मर्डर कर दिया होता है। अब किस फैमिली मेंबर ने उसका मर्डर क्यों किया होता है इसे आप फिल्म में जान लीजिएगा। आपने विद्या बालन की बहुत सी मूवीज देखी होगी लेकिन इस मूवी में जो उनका परफॉर्मेंस है वो उनकी बाकी मूवीज से फार बेटर था। अगर आप इसके इंटरवल तक बर्दाश्त करते हो देन आपको इस फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट्स देखने को मिल जाएंगे और साथ में एक अच्छा सस्पेंस भी। तो अगर आप मेरे बातों से कन्विंस हो गए और मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को नहीं मिलेगी। ये भगवान क्या जुल्म है, क्योंकि अभी ये थिएटर्स पर चल रही है, उसके बाद आपको Amazon Prime Video पर भी स्ट्रीम करवा दिया जाएगा। और जिन्होंने ये मूवी को देख लिया है वो अपने कमेंट्स जरूर बताना। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, जल्दी मिलूंगा आपसे किसी अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। यहाँ जो भी हो रहा है कुछ पता है तुम्हें मेरा?